अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद जूनी। आज हम आपके पास एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है स्ट्रॉबेरी ट्राइफल। ये ईद स्पेशल है, ईद पे आप किस तरीके से डिफरेंट मीठे बनाकर पेश कर सकते हैं अपनी फैमिली को, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी ट्राइफल। उसके लिए मुझे जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून चीनी, 2 कप दूध मुझे एक जगह पर चाहिए और तकरीबन ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मुझे अलग चाहिए, जिसमें ये ठंडा दूध होगा जिसमें मैं कस्टर्ड अपना जो है वो मिक्स करके गर्म दूध में ऐड करूँगी, जिसमें मैंने चीनी ऐड की होगी। मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए व्हीपिंग क्रीम, ये तकरीबन 100 ml है, 2 ml वाला पैकेट था जिसको मैंने हाफ यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने इसलिए बड़े बाउल में डाला है कि मैं इसी को जो है 4-5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और सबसे लास्ट पे जो है मैं इसको विप करूँगी जब मैंने इसको ऐड करना है। साथ ही मुझे इसकी लेयरिंग के लिए यहाँ पर चाहिए स्ट्रॉबेरी, ये फ्रीज हुई है, इसको सेंटर में से जो है आपने कट कर लेना है। साथ ही मुझे यहाँ पर एक लेयर के लिए चाहिए यहाँ पर केक, ये केक जो है ये मेरा होममेड केक है, सिंपल स्पंज केक। इसकी रेसिपी भी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही मुझे यहाँ पर इसके लिए जो जेली बनानी है, एक्चुअली ये स्ट्रॉबेरी ट्रैफल है लेकिन इसको मैंने हल्का सा जो है वो मैंगो टच देना है यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने जो जेली यूज़ करी वो मैं यहाँ पर मैंगो जेली यूज़ कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जेली मैं इसकी जस्ट ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी, लेकिन टच इसमें जो मैं दे रही हूँ वो मैं मैंगो जेली का दे रही हूँ। मैंगो जेली के लिए ये फुल साशे जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में मौजूद है, आप एक पैकेट यूज़ कर लें। 2 कप मैं जेली बनाने के लिए जो है यहाँ पर पानी यूज़ कर रही हूँ, इसको हम सॉस पैन में जो है गर्म उबलने के लिए रख देंगे। जब ये हॉट बॉयल वाटर हो जाएगा तो उसको हमने जिस भी आपने मोल्ड में जो है इसको करना है जेली को, अगर आप डिफरेंट शेप्स देना चाहते हैं तो जो भी आपका मोल्ड है उसमें आप गर्म पानी डालेंगे और साथ ही आप इसमें जो है जेली का ये सारा मिक्सचर डाल के इसको स्पून से हिलाते जाएंगे तो आपकी जेली रेडी हो जाएगी। चलें अब मैं नेक्स्ट आपको स्टार्ट हम करेंगे जेली से कि मैंने जेली को किस चीज़ में रखकर जो है वो उसको फ्रीज़ करना है, ठंडा करना है ताकि मैं उसके ऊपर लेयरिंग कर सकूं। तो चलें अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ जेली बनाने का तरीका। जी मैं सबसे पहले एक बाउल यूज़ कर रही हूँ जेली बनाने के लिए, ये वही बाउल है जो मैं इसको सर्विंग डिश के लिए भी यूज़ करूँगी, जिसको मैं डाइनिंग टेबल पर यूज़ करूँगी। आपने भी वही डिश रखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो 2 कप मैंने आपको दिखाया था कि आपने सॉस पैन में पानी जो है गर्म कर लेना है, हॉट बॉइलिंग वाटर होगा वो मैं ऐड करूँगी इस बाउल में। जी साथ ही जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारी जो जेली है, साथ साथ ही आपने स्पून को अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। आपने इसको जब तक हिलाना कि ये मिक्सचर जो है अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। जी मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको जो है ठंडा होने के लिए रख दूँगी। देखें ये सारा मिक्सचर जो है हमारा जो है अच्छे तरीके से जली जो है इसमें डिज़ोल्व हो रही है। अब मैं जो है इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह शेल्फ पे पड़ा रहने दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने इसको क्या करना है। जी देखें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं जली को, इस पर एक बारीक सी लेयर जो है वो आ गई है, ये आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, आप अपनी फिंगर को करेंगे तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जब ये स्टेज पर आ जाए तो आपने यहीं से हमारा सैम्पलिंग इसको करने का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका होगा। जो बाकी के 5 मिनट्स मैंने आपसे यहाँ पर लिए थे उसमें मैंने ये स्ट्रॉबेरी जेली भी रेडी कर ली है। तो जी अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर इसमें इस तरीके से कर करके स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ऐड करूँगी और साइड्स पे जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से पकड़ के हल्का सा यूँ खड़ा कर दूँगी, ठीक है, सारे चारों कॉर्नर्स पर मैं इस तरीके से करूँगी। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो असेंबलिंग की फ़र्स्ट लेयर है वो बिल्कुल रेडी है। आपने जल्दी जल्दी इसमें स्ट्रॉबेरीज 5 मिनट के बाद ऐड कर लेनी है। देखें किचन में फ़ैन ऑन था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जेली जो है यहाँ पर हमारी बिल्कुल जो है ये देखें आप, ये चेक करें आप, सेट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैंने साइडों पर मैं आपको इसके दिखाती हूँ साइड्स, जिस तरह मैंने साइड्स पर इसकी स्ट्रॉबेरी को सेट किया है। जी ये देखें स्ट्रॉबेरी की जो है वो कितनी अच्छी लेयरिंग आ गई है, आप चारों साइड से इसको चेक कर सकते हैं। इसको जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सेट हो चुकी है, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज पे जितनी देर में मैं बाकी का अपना कस्टर्ड रेडी करूँगी। फर्स्ट स्टेप जो है इस असेंबलिंग में जो है वो हमारा इस लेयर का होगा। हमारी दोनों जो है वो जेलीज बिल्कुल रेडी हैं, स्ट्रॉबेरी जेली भी रेडी है और ये भी,
नेक्स्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने कस्टर्ड कैसे रेडी करना है। कस्टर्ड बनाने से पहले हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देंगे जी। अब सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 कप हमारे पास दूध था इसको हम डालेंगे किसी पैन में, साथ ही हम उसमें ऐड कर देंगे अपनी शुगर जी। दूध और चीनी जो है वो मैंने पॉट में ऐड कर चूल्हे पर रख दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कस्टर्ड को इस दूध में हम ऐड कर देंगे जी। इस कस्टर्ड को जो है आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है दूध में सारे को। ये जो स्पून के साथ लगा हुआ है इसको भी हम जो है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। ये देखें पैन में मैंने जो है चीनी के साथ दूध को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें जो है चम्मच की भी हेल्प से जो है स्पून से मैं इसको हला रही हूँ। जैसे ही ये बॉइलिंग हॉट हो जाएगा इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, हम इसमें जो अपना हमारा ठंडे दूध में कस्टर्ड मिक्स है हम वो ऐड करेंगे जी। ये देखें दूध जो है यहाँ पर बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी जो हमारा कस्टर्ड था, और साथ ही मैं यहाँ पर इसको मिक्स करते जाऊँगी। यहाँ पर आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए जी। कस्टर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है क्योंकि 2 कप ऑफ मिल्क के साथ हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है 2 स्पून कस्टर्ड की, लेकिन मैंने 2.5 स्पून लिए हैं क्योंकि मैंने इसकी लेयरिंग करनी थी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए। जब ये थोड़ा कूल डाउन होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कूल डाउन करूँगी और साथ ही जो है मैं अपनी जो है व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लूँगी और फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। जेली को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। कस्टर्ड भी जो है वो देखें हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको मैं वक्तन फ़क्तन हिलाती रही हूँ ताकि इस पर कोई भी स्कार ना बने, क्योंकि ये अगर एक जगह पे बिल्कुल वो हो जाए ठंडा हो जाए तो फिर उसको जो है वो आप मोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको हिलाते हुए ठंडा किया था। अब मैं यहाँ पर जेली ठंडी हो गई है, स्ट्रॉबेरी ठंडी है, अब मैं यहाँ पर इसकी लेयरिंग करूँगी केक के साथ। केक की देखिए मैंने लेयरिंग कर ली है, जेली के बाद मैंने लेयर की है केक की। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे कस्टर्ड जी। ये देखिए हमने सारा कस्टर्ड इसमें सेट कर लिया। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और साथ में अपनी व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लूँगी जी। ये अपनी व्हिपिंग क्रीम को तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट जो है मैंने रखा था फ्रीज़र में ताकि ये थोड़ी सी चिल हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें आइस क्रंच भी बन चुके हैं। तो अब मैं इसको करूँगी व्हिप, किसी भी ब्रांड की आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट व्हिप करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हमारा आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करूँगी जी। व्हिपिंग क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये अब ठहर चुकी है, दैट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप, ये देख सकते हैं मैंने इसको उल्टा भी किया है, लेकिन ये इसकी ये निशानी होती है कि आपको ये पता चल जाता है इस टिप के साथ कि ये बिल्कुल रेडी है जी। चलें अब ये मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम की लेयर वहाँ पर लगाऊंगी जी। मैंने अपनी यहाँ पर सानी के लिए अपनी व्हिपिंग क्रीम जो है वो पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है। आप चाहें तो आप इसको स्पून के साथ जो है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर लेयर उसकी लगा सकते हैं जी। इस तरीके से ज़रा कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जब हम पाइपिंग बैग के साथ थोड़ी डेकोरेशन कर देंगे। आप चाहें तो आप स्पून के साथ भी इसकी एक लेयर लगा सकते हैं जी। हम इसको बहुत प्यारा मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ ऐसे, ये देखें वो भी हमारा ठीक हो गया जी। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कस्टर्ड ट्राइफल जो है वो बिल्कुल रेडी कर दिया, स्ट्रॉबेरी ट्राइफल हमारा बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम सर्व कैसे करेंगे। आपने जब इसको सर्व करना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी टोटल नीचे तक लेयर जो है आप उस सर्विंग प्लेट में निकालें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ही हम लोग जो है वो अपना कस्टर्ड ले लेंगे। जी, आपने जब इसको सर्व करना है तो इसी तरीके से स्पून के साथ आप इसको निकालेंगे ताकि इसकी टोटल लेयर्स जो हैं वो हमें अपनी सर्विंग प्लेट में चाहिए। जी, आप देख सकते हैं इसको मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। आपने भी जब इसको सर्व करना है तो इसी तरीके से करना है ताकि इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हों और आप सारी लेयर्स को एक साथ टेस्ट कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।